देखिए आज का टॉपिक है आपका जो कि नया सिलेबस के अनुसार जुड़ा है, जो खंडकाव्य है और जो कि फर्स्ट पेपर में है आपके में। तो खंडकाव्य जो है आपका उसका नाम क्या है? संशय की एक रात। लेखक कौन है? नरेश मेहता। नरेश ने तो देखिए संशय की एक रात, नरेश मेहता, मैं थोड़ा सा उस दिन भी थोड़ी चर्चा कर चुका था आपसे। तो नरेश मेहता जो लेखक के रूप में है उनका थोड़ा जो पाठ परिचय है, पाठ परिचय से पहले उनके व्यक्तिगत परिचय है उसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश डाल लेते हैं। तो देखिए नरेश मेहता का जो जन्म है वो कहाँ है दिया है? 15 फरवरी। 15 फरवरी कितना है? 1922। 1922 कहाँ दिखाया था? मालवा। ध्यान रखना मालवा जो क्षेत्र है ये क्या है? एमपी। एमपी ये मालवा क्षेत्र, जगह का नाम क्या था? हाँ शाहजहांपुर भी दिया है, सीधा नाम इसका शाहजहांपुर बोलते हैं अपन, लेकिन शाहजहांपुर भी दिया है। तो शाहजहांपुर मालवा क्षेत्र जो कि एमपी में पड़ता है यहाँ इनका जन्म हुआ है। और जैसे इनका जो मूल नाम जिसे अपन कहते हैं कि इनका नाम क्या था? पूर्ण शंकर। क्या था? पूर्ण शंकर शुक्ला ये इनका। लेकिन जैसे मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी वो बताया था कि जो नरेश मेहता नाम है वो किसने रखा है? नरसिंहगढ़ की जो राजमाता है। हो सकता है कि इनका राज परिवार से नाता रहा हो, तो नरसिंहगढ़ की जो राजमाता है उन्हीं ने इनका नामकरण नरेश मेहता किया है, नरेश मेहता। और यहाँ से इन्होंने अपनी जो हिंदी में अपनी काव्य रचनाएं की हैं वो सारी की सारी नरेश मेहता नाम से ही इन्होंने अपना वो किया है। तो अब देखिए जैसे इनके पिता का नाम दिया है, पिता दिया है जिसका नाम दिया है बिहारी लाल। ये बिहारी लाल की जो तीसरी पत्नी है, क्या बताया था मैंने उसे? तीसरी पत्नी की संतान है ये। तीन शादी हुई थी इनके पिता की और तीसरी पत्नी के ये संतान है नरेश मेहता। तो जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी इनको मिले हैं, लेकिन उससे पहले इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से? उज्जैन से शुरुआत होती है और उसके बाद में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ से उच्च शिक्षा करते हैं। और उच्च शिक्षा करने के बाद फिर एक संपादन का काम भी करते हैं जिसमें पत्रिका का नाम दिया है, पत्रिका जिसका नाम था चौथा, क्या था? चौथा संसार। ये पत्रिका इन्होंने निकाली। इसके बाद में इनकी जो काव्य रचना तो काव्य रचना में बहुत सारी है जिसमें मैंने कल उस दिन आपको लिखा था अरण्य। ये अरण्य के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो हिंदी साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ क्या है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसको क्या कहते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी 1992 मिला है और ये 1998 में इनको प्राप्त किया है।
इनके जो काव्य रचना है अरण्या के साथ में और भी जो हैं जिसमें दिया है कि प्रभात पद एक काव्य रचना है इनकी, वो भी है और बहुत सारी काव्य रचनाएं हैं जो इन्होंने हिंदी साहित्य को दी हैं। तो नरेश मेहता जो प्रगतिशील जो लेखक हैं आधुनिक काल के, उनमें अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। तो देखिए इनका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो टाइटल क्या है? संशय की एक रात। संशय की एक रात किसमें है ये ध्यान रखना, यह आपके फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर किसका? बी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में इसको दिया है खंडकार को। और संशय की एक रात जो है ये क्या है कि ध्यान रखना कि ये पौराणिक गीति नाटक है। पौराणिक गीति नाटक इसका मतलब है कि इसको एक पद्य का रूप दिया है। और पद्य का रूप का मतलब है कि जो कविता रूप में है जिसमें पौराणिक आधार बनाया है। पौराणिक का मतलब है कि हमारी जो रामायण है, ये महाभारत है, ये हमारी क्या है? पौराणिक ग्रंथ है। तो पौराणिक गीति नाटक है जिसमें उन्होंने शीर्षक क्या रखा है? संशय की एक रात। और इसकी जो दिया कि वर्तमान जो परवेश है, जो जिसे अपन कहते हैं कि वर्तमान परवेश संदर्भ में इसको रखा है, तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो कहाँ से तैयार की गई है? ध्यान रखना इसकी जो पृष्ठभूमि क्या है कि पृष्ठभूमि में ध्यान रखना कि जो भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1962। यही इसका मेन आधार बना है। इसकी मेन पृष्ठभूमि में क्या रखा है कि भारत चीन का जो 1962 में युद्ध हुआ था ना, उसके आधार पर इसको बनाया गया है। नरेश मेहता ने जो लिखा है पौराणिक गीत, और टाइटल में क्या रखा है? संशय की एक रात। अब बात क्या है कि 1962, क्योंकि 19वीं शताब्दी में 1914 से लेकर 1918 में क्या हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था। तो इसीलिए फिर उसके बाद में 62 में फिर भारत चीन युद्ध हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक वैश्विक समस्या, वैश्विक का मतलब कि पूरे संसार की समस्या। तो पूरे संसार की समस्या के रूप में युद्ध को रखा है। अब भाई देखिए बात यह है कि युद्ध कोई युद्ध है, लेकिन युद्ध को किसी समस्या या फिर अपनी तर्क बुद्धि, अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से उसको किसी तरह से टाला जा सकता है। तो संशय में यहाँ जो है, यहाँ संशय की एक रात है, इसका इसमें प्रमुख पात्र के रूप में कौन रखा है? प्रमुख पात्र के रूप में कौन है? श्रीराम। संशय की एक रात प्रमुख पात्र के रूप में है श्रीराम। तो श्रीराम जो है वो ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है वर्तमान परवेश कि वर्तमान परवेश में जो मानव है वही किसका प्रतीक है? श्रीराम का प्रतीक है। क्योंकि अरे भाई जो चीज समस्या होनी है, युद्ध होना है, जन धन की हानि होनी है, जो नुकसान होना है, तो किसका होगा? मानव। तो श्री राम जो भगवान है, रामायण के जो आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, तो उन्हीं को वर्तमान परिवेश में रखा है मानव के रूप में। तो मानव के रूप में श्री राम ने अवतार लिया है, तो फिर उसने अपनी संशय को किस तरह से निवारण किया है, किस तरह से उसको समझाने का प्रयास किया है, उन चीजों को वर्तमान परिवेश में जी रहे मानव और उसकी समस्या को उभारने का प्रयास किया है। तो देखिए अब संशय जो है भाई, संशय क्या है? संशय एक मन का भ्रम है। अब उस संशय को हम पांच आदमी, जैसे अपन कहते हैं गांव में कोई काम होता है तो पांच आदमी नहीं करते,
या फिर वैश्विक समस्या है पूरे संसार की है, तो फिर बड़ी बड़ी परिषद होती है, मीटिंग होती है, नाटकी वगैरह की, भाई युद्ध होगा नहीं होगा, उसमें क्या निर्णय होगा, तो उसको किसी तरह से क्या किया जाए, उसको समझाया जाए। और इस तरह से युद्ध की जो विभीषिका है, युद्ध का जो परिणाम है, उसको देखते हुए युद्ध को टाल दिया जाए। तो फिर संशय में क्या होता है कि संशय जो है मन का, उस संशय को समाप्त करने का संकेत दिया जाता है कि भाई युद्ध नहीं, युद्ध का परिणाम भयंकर हुआ। तो ये ही संशय किसके मन में उत्पन्न हुई है? राम के में। संशय किसके मन में उत्पन्न हुई है? राम के में। और जब युद्ध होता है तो यही संशय किसके मन में उत्पन्न होती है? मानव के में। जो जिम्मेदार है, उन जिम्मेदारों के जो व्यक्ति है, उनके मन में संशय बना रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, युद्ध होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, कितना जनधन की हानि होगी। तो यही चीज कौन सोचता है? सेना। तो इसको क्या किया है, ध्यान रखना कि 1962 की पृष्ठभूमि, भारत चीन की जो पृष्ठभूमि युद्ध हुआ है ना, उसी को आधार बनाया है। और इसमें इसको कितने भागों में बांटा है? चार, चार सर्ग, सर्ग सर्ग मीन्स खंड, चार खंड। खंड कौन कौन से हैं? पहला क्या था? पहला पहला क्या था? शांता विस्तार और वह बालू तक, बालू तक। और दूसरा क्या था? वर्षा, वर्षा भीगा अंधकार, वर्षा भीगा अंधकार का आगमन। और तीसरा क्या था? मध्यरात्रि की मंत्रणा और वह निर्णय, ये था। और चौथा जो है वो क्या है? संदिग्ध मन का संकल्प और निर्णय, नहीं सॉरी, और सवेरा। ये बस ये पॉइंट ध्यान रखना, खंड का आपका जब वर्णन करोगे ना, तो ये ही पॉइंट है, ये चार सर्गों में बांटा हुआ है पूरा। कि भाई देखिए, जिसमें दिया है कि सांझ का विस्तार और बालू का, सांझ के विस्तार से मतलब है कि श्री राम भगवान जब लंका पे चढ़ाई करने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने क्या बना है? सेतु बंध रामेश्वर। तो संध्या का विस्तार दिखाया है, समुद्र का किनारा है, बालू तट दिखाया है, लेकिन अब उसके मन में संशय हो रही है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। इसका मतलब कि जो सीता उनकी धर्मपत्नी है, जिनका क्या हुआ है? अपहरण हुआ है। तो सीता का अपहरण हुआ है, तो फिर वो क्या हो गई मेरी? व्यक्तिगत समस्या। भाई वो मेरी व्यक्तिगत समस्या हो गई, तो फिर मैं इतने सारे जो कौन हैं, जो वानर हैं, जो रीछ हैं, जो जंगल के जानवर हैं, नहीं क्या, और जो मानव मेरे साथ में है, तो उन सबको मैं युद्ध की विभीषिका में क्यों रखी? इसका मतलब है कि व्यक्तिगत समस्या मेरी है, सीता मेरी है, तो लड़ाई भी मुझे करनी है, और उनके लिए मैं फिर ये पूरे संसार के जो प्राणी जीव मेरे साथ में हैं, इनको मैं क्यों उस विभीषिका में ढकेलूं? वो उसके मन में संशय है। तो वहाँ साल का विस्तार और बालू तट पर श्री राम को सेतुबंध रामेश्वर के माध्यम से उस लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी, उससे पूर्व की संध्या, उससे पूर्व की जो रात्रि है ना, उस रात्रि में उठने वाले मन के संशय को दिखाया है। भाई मान लीजिए कल युद्ध होना है, तो आज तो रात बाकी है, तो आज की रात में जो श्री राम के मन में संशय उत्पन्न हुआ है ना, वही संशय चार सर्गों में बांटा है।
तो इन चार शब्दों का नाम ध्यान रखना। पहला जो सर्ग मीन्स है खंड, तो चार खंडों में बांटा है इसकी पूरी पौराणिक कथा को। तो पहला आपका सांस का विस्तार और बालू तक है, और दूसरा है वर्षा दीघा अंधकार का आगमन है, और मध्य रात्रि की मंत्रणा हुए निर्णय, और चौथे संदिग्ध मन का संकल्प और सभ्यता। तो देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कि क्योंकि सांस का विस्तार और बालू तट, इसका मतलब है कि श्री राम लंका पर आक्रमण करने से पहले जो रात्रि है, उस रात्रि में उसके मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, उस संशय के बारे में जिक्र इसमें किया गया है। और वो संशय क्या है कि भाई युद्ध की विभीषिका, क्या युद्ध के बगैर शांति नहीं हो सकती, कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी सीता जिसके आने से धरती क्या हो जाए, रक्त रंजित हो जाए। रक्त रंजित, रक्त रंजित का मतलब कि भाई खून बहेगा, भाई उधर भी मरेंगे इधर भी मरेंगे, कितनी जनहानि होगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी सीता, नहीं चाहिए मुझे ऐसी धरती। तो इस तरह से वो अपनी बात कहता है। और उस संध्या मतलब जो युद्ध करने जाना है, उस संध्या के पूर्व की जो रात्रि है ना, उस रात्रि में जो उसके मन में उठने वाली शंका है, उस शंका का समाधान करते हुए दिखाया गया है उसको कि इसका है कोई विकल्प। तो विकल्प के रूप में वो क्या कहता है कि सीता मेरी है, मृत्यु की समस्या है, तो युद्ध भी मैं ही करूँ, मैं इतने सारे जो लोग हैं इनकी जिनकी क्यों दांव पे लगाऊं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा जनधन की हानि होगी। तो इस तरह से उसके मन के विचारों को सोचते हुए दिखाया गया है, और उसके मन में वो ही संशय बना हुआ है कि युद्ध करूं या नहीं करूं, क्योंकि युद्ध करूंगा तो उसका परिणाम भयंकर होगा, और नहीं करता हूं तब भी दुनिया उंगली उठाएगी कि भाई तुम्हारी धर्म पत्नी और लंका का पति रावण ले गया, तुमने उसको छुड़ाया। अब समस्या क्या है, बात यह है कि भाई हमारे भारत देश की वो क्या है, वो बहू है, वो बेटी है, वो माँ है। अगर हम मान लीजिए रावण पैसे उसको छुड़ा के नहीं लाते हैं, तो हमारे भी तो कर्तव्य बनता है, हमारी बहन बेटी बहू जो है माँ, उनकी इज्जत बचाना हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह से तर्क बुद्धि के माध्यम से श्री राम को समझाते हैं, और श्री राम जी फिर अपने मन की जो शंका है उसको विस्तार रूप देते हैं। अब देखिए यहाँ वर्षा भीगा अंधकार का आगमन है, इसका मतलब कि श्री राम जी ने जो सेतुबंध रामेश्वर पर शुरुआत की है, तो अब वर्षा भीगे अंधकार का आगमन हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, वर्षा हो रही मतलब होने लगी है। तो श्री राम जी सोचते हैं कि शायद मेरे मन में जो आए हुए जो विचार हैं वो शायद इस बरसात से वो सारे धुलकर समाप्त हो जाए, जिससे ये युद्ध की विभीषिका है वो सारी टाली जा सके। तो यहाँ इसमें फिर जो पुल पर चढ़े होंगे कौन, श्री राम, तो इनको एक प्रेत आत्मा छाया दिखाई देती है, छाया मूर्ति दिखाई देती है, और वो छाया मूर्ति किसकी होती है, एक तो दशरथ जी की और एक होती है जटायु की, क्योंकि जटायु दशरथ जी का दोस्त था, जो जब सीता को ले जा रहा था रावण, तो जटायु ने तो युद्ध किया था, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण भी उसी ने दिया था। तो फिर जब श्री राम चलता है पुल के ऊपर, तो वहाँ उसको क्या दिखाई देती है, दो छाया मूर्ति दिखाई देती हैं, इसका मतलब है कि दशरथ और जटायु, उनसे वो वार्तालाप संवाद करते हुए दिखाया है राम को कि मैं क्या करूँ। तो वो दशरथ की छाया मूर्ति, जटायु की छाया मूर्ति, वो ये कहती है कि इतिहास इस चीज का गवाह है कि जब जब इस तरह के अन्याय अत्याचार होता है, तो इतिहास गवाह है कि युद्ध होता है, तो फिर युद्ध से आप मत डरिए, फल क्या होगा इसका आपको कोई वो नहीं करना है, कि फल परिणाम, फल का मतलब परिणाम, अब परिणाम क्या होगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने कर्तव्य पर बढ़िए, फल का इंतजार मत करिए, इस चीज का
क्या है इस चीज का उन्होंने दिया है कि इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह की बात हुई है, युद्ध हुआ है, युद्ध की विभीषिका, उसके भयंकर, उसके परिणाम और उसके फल आदि पर आप ध्यान मत दीजिए। इस तरह से दशरथ और जटायु की जो छाया मूर्ति है ना, वो कहके अंदर ध्यान हो जाती है। और यहाँ जो उसके मन का विकार है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद में फिर वो क्या करता है कि उसके बाद में मंत्रात्रि की मंत्रणा और निर्णय कि इसके बाद में वो सारे जितने भी जंगल के हनुमान वानर जो भी हैं, सुग्रीव भी दिखाया है उस शिविर में, और जिसमें दिया है कि मंत्रात्रि के बीच सभी को इकट्ठा करते हैं और उसमें वो बातचीत करते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, ये मंत्रणा होती है उनकी। और अब यहाँ पर लक्ष्मण और हनुमान की तर्क बुद्धि के माध्यम से श्री राम जी को परास्त किया गया है कि आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि सीता तुम्हारी अकेली की पत्नी नहीं थी, सीता हम भारत सभी भारतवासियों की क्या थी, वो किसी की बहन थी तो किसी की माँ थी तो किसी की बेटी थी, उसकी इज्जत उसको बचाना ये हमारा क्या था, धर्म है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, सीधा कर्तव्य करना है, और कर्तव्य करोगे तो फिर इसी चीज के आधार पर हनुमान जी की तर्क बुद्धि से श्री राम जी परास्त हो जाते हैं और फिर वो अपना निर्णय क्या लेते हैं, युद्ध का। उसके बाद में संदिग्ध मन और संकल्प और सवेरा, तो अब जो संदिग्ध मन है, संदिग्ध मन का मतलब संदिग्ध मन जो है, तो संदिग्ध मन का मतलब क्या है कि जो उसके मन में उठक पटक चल रही है, संशय, संदिग्ध मन। तो संदिग्ध मन अब किस में बदल गया, संकल्प में बदल गया। और संकल्प का मतलब क्या है, संकल्प का मतलब है कि अब मुझे युद्ध करना है, चाहे युद्ध का परिणाम कुछ भी हो। तो अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचता है, और जब सवेरा होता है, अगले दिन सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होने के साथ ही वो क्या करता है कि अपनी लंका पर चढ़ाई कर देता है और अपनी सीता को लेकर वापस भारत आ जाते हैं। तो इस तरह की ये इसमें पौराणिक खंड का जो गीतिकार है, कविता के माध्यम से नरेश मेहता ने समझाने का प्रयास किया है। बस यह आपको ध्यान रखा है, ध्यान रखना है कि संशय की एक रात क्या है, पौराणिक गीति नाट्य है, और जो कि 1962 भारत चीन का युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि पर इसको लिखा गया है, ये ध्यान रखना। और चार खंडों में इसको बांटा गया है, बस इन चार खंडों का नाम याद रखना, आपका संशय की एक रात पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद में सारी चीजें हैं जो आपको समझ आ जाएगी, बाकी अगली चीज अगले टाइम।